थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने मेरा एक तरीका है, जैसे वो ख्वातीन नहीं होती वो चली जाती है लेकर, किचन कैसा है आपका? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आता। नहीं बिल्कुल भी नहीं आता। वाकई? हाँ जी, नाश्ता बना लेता हूँ। अच्छा, तो नाश्ता ही बना? हाँ, वो ठीक है। चलें हम नाश्ता आज आसिम के हाथ का नाश्ता करें। शुरू करें? शुरू करें। अच्छा, तो हम यही यूज करेंगे ये रोटी बनाने के लिए? रोटी, रोटी भी बनाएं नाश्ते में? ऑमलेट नाश्ते में? पराठा नहीं होता? तो वो नहीं है पराठा? हाँ यार, ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। चलें, अब सिखाना तो नहीं ना हमने? नहीं। चलें जी, आप जैसे बनाते हैं कभी घर में बनाए? अम्मा ने वैसे तो कभी भाई मौका बहुत नहीं दिया। बहुत दफा नहीं। नहीं। अच्छा? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बचपन में जब संडे को घर पे जब काम वाली नहीं आती थी, अच्छा? तो अम्मी संडे को सारा काम मुझसे करवाती थी ताकि मेरी ट्रेनिंग हो उनके हिसाब से। किस चीज की? यार मैं बर्तन धोता था। नहीं नहीं, वैसे ही बर्तन धोता था, झाड़ू लगाता था, पोछा करता था। तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आते हैं सारे काम। लेकिन मैं ये मैं तब करता हूँ जब अम्मी गहरी नींद सो रही होती हैं और मैं या तो सोया नहीं होता और मुझे भूख लगती है और मुझे अंडे के अलावा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो फिर मैं अंडा फ्राई करता हूँ। दो ऑमलेट बनाएंगे? हाँ, जो आप ठीक जो है, आप देखें जल्दी नहीं तोड़ी मैंने। क्या बात है आपकी, मैं नफासत की और सलीके की क्या बात है जी। और हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या है? अच्छा, हरी मिर्च हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल रास नहीं आती हरी मिर्च में। अच्छा ठीक है, हरी मिर्च जैसे लोग रास आते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग होते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये नमक हम आप डालेंगे अपने एज पर योर टेस्ट। ठीक है, हम देखेंगे कि आप कैसा। पराठे में तो मेरी मुझे अभी तक टेंशन पराठे की है। पराठे में मदद करना आता? बिल्कुल भी नहीं आता। चलो मैं आपको ना थैंक यू वो बना के देती हूँ पेड़ा। हाँ तो उसको बेलेंगे आप? अच्छा जी, चलिए ये जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो अम्मा को कभी पराठा बना के नहीं खिलाया? नहीं ना, मुझे आता ही नहीं पराठा। बड़ा मुश्किल है उसका, अभी आप देखना आप क्या क्या करेंगे इसको देखें। हाँ बड़ा मतलब है ना, पराठे का वो बनता है फिर गोल, वो उसको पेड़ा को करते हैं, बेला जाता है। हाँ जी हाँ जी, फिर उसके बाद। हाँ अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो अम्मा डांट डपट कितनी क्या करती हैं? अम्मा किस मामले में? हर मामले में, कपड़ों में, बाल बनाने में, पैसे खर्च करने में, देर से आने में। अम्मा ना, मैं मतलब अम्मा का ना मैं बड़ा बेस्ट फ्रेंड टाइप हूँ, तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप होती हैं। अच्छा, मतलब अम्मी मुझसे कहती हैं कि तुम मतलब तुम्हें याद है ना, तुम अम्मी से बात करो। मैंने कहा अम्मी आपकी गलती है भाई, आपने मुझे दोस्त बना लिया, अब मैं आपसे ऐसी बात करूंगा? ठीक है। लेकिन वो ज्यादातर होती है क्योंकि मैं थोड़ी बहस कर लेता हूँ अक्सर। यहाँ हमारे नौजवान बैठे हैं, हो जाती है हल्की फुल्की जरा बदतमीजी तक ना बताई क्या? बिल्कुल, ये कहें कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप इस टोन में चले जाते हैं ना तो आगे से, है ना? सॉरी अम्मा, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। सॉरी, लेकिन लेकिन उसके बाद मैं सॉरी जरूर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने सीखा है, पहले मैं नहीं करता था। पांव पकड़ के जाके करते हैं कि ऐसे ही दूर से जाके करते हैं अम्मी सॉरी? मैसेज, मैसेज। अच्छा, सिर्फ मैसेज। सॉरी मामा, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ ना। तो सीख लो ना। किस कौन सिखाएगा एक्सप्रेसिव भाई? आप तेज कैसे करें? बेगम सिखाएंगे। अब अगर अम्मा के लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं है तो फिर बेगम के लिए? हर बात के बाद बेगम का क्यों आ रहा है, मतलब क्या करूं? मेरी कोई कोई बाय डिफॉल्ट जो है ना मेरी जिंदगी में रिश्ते हैं वो दो, एक अम्मा और एक बेगम। ठीक है, अच्छे रिश्ते बच्चों के लिए। अच्छा, लेकिन आपकी वालदा स्क्रैम्बल्ड एग बनाए? बनाए। ठीक है, माशाल्लाह एक बहुत कमाल आर्टिस्ट भी है जी, और उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो किया हुआ है, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे भी है, टेलीफोन पे। अस्सलाम वालेकुम गुले राना साहब, साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो मामा। हेलो बेटे। ऐसी बात करता हूँ फोन पे। सो हमने आपके बेटे से आज ऑमलेट बनवा रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनको उनसे पूछें जरा। हाँ तो आसिम को तो ऑमलेट तो मैं छोटे से थे तो संडे को बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो जान बूझ के सब कुछ होने के बावजूद संडे को आसिम को मैं आई मेड श्योर कि आसिम हर चीज, आसिम को डस्टिंग इतनी अच्छी आती है, आसिम कमरा इतना अच्छा समेटते हैं, बेड इतना अच्छा बनाते हैं। और हाँ बिल्कुल, और छोटा सा था तो इसको ना रोटी को लोथी, छोटी सी लोथी पकाना है, लोथी पकाना, खुद पकाना है। अच्छा, पेड़ा लेके और लोथी। अच्छा, ये जो है ना इसका मैं अभी देख रही हूँ। हाँ, और देख रही है। मैं बिल्कुल भूल गई थी, यकीन मुझे तो मुझे लगा शायद कलवल है आपका शो बेटे। नहीं, तो नहीं। मैं तो बड़े मजे से सो रही थी तो बेल बजी, तुम्हें पता है फोन तो मैं फौरन उठा लेती हूँ। हाँ।
तो उन्होंने कहा कि ए प्लस पे आपके साहबजादे ऑन एयर हैं इस वक्त। अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा आसिम, अभी जिक्र कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन और जिस एक बंदे का हाथ है वो आपका है, तो एज वालदा क्या किया था आपने ऐसा कि जो आसिम अजहर की सूरत में, आसिम की सूरत में जो कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत यंग स्टार है, इतनी यंग एज में स्टार है। असल में क्या है, माए तो सभी करती है, कौन सी माँ ऐसी है जो अपनी औलाद के लिए नहीं करती। तो इस वक्त ये नहीं है कि मैं फ्लैटर कर रही हूँ आसिम को, या मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं आसिम को फ्लैटर करने की। तो सामने औलाद भी तो ऐसी हो, कैसी मतलब औलाद को क्या वालदैन बनाते हैं ऐसा, या औलाद खुद ब खुद नेचुरली। अम्मी ये मैंने आपको देखा करते हुए ताकि चिपके ना, क्या बेटा है ना ऐसे ही है। हाँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये बहुत पराठा बनने वाला है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, स्टार पराठा होगा ना, हम खाएंगे जैसा भी होगा। कोई टिप तो दे दें अम्मी, जैसा नहीं होगा बहुत अच्छा बनाएगा ये। अच्छा वेरी गुड, चलो अच्छा, लेकिन डांट डपट खुशकी नहीं लगाना। ठीक है अम्मी अब बात करें ना जरा, डांट डपट ज्यादा करनी चाहिए या फिर प्यार लाड ज्यादा करना चाहिए? फरा असल में बात ये है, मैं सच्ची एक बात बताऊं जी, अगर मेरे बहन भाई ये शो देख रहे हैं, अव्वल तो शायद पता नहीं, हम पांच बहन भाई हैं, आप कहेंगे कि ये औलाद की बात में बहन भाई कहाँ से आ गए, लेकिन हकीकत बताऊं कि मैंने जो है वो अपने बहन भाइयों को देखा, सबकी माशाल्लाह औलादें थी, मैंने कहा मैं देखूं कि क्या है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने चारों बहन भाइयों में सब कुछ पा लिया, एक को देखा भाई, अब आप लोग खुद ही समझ जाइएगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो, एक जो है वो उनके सदर लाड, उसके लाड पता चला कि बच्चे ने जरा सी अगर एक प्लेट भी धो दिए तो पता चला इटली का टिकट लेके दे दिया और कुछ ऐसा कुछ तो, और एक जो है वो इस कदर गुस्सा कि वो बच्चे ने ड्राइविंग ही छोड़ दी जिंदगी में करनी। अच्छा यानी बैलेंस आप कह रही हैं? बैलेंस मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसा बैलेंस कोशिश करनी चाहिए कि ना बहुत ज्यादा आप बच्चे को सर पे चढ़ाएं, ना बहुत ज्यादा ढील दें। ठीक है, मेरा ख्याल में कि ये सब कुछ इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये हाँ कि मैंने एक चीज बता दी थी आसिम को कि बेटा 16 साल तक की उम्र में मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी नहीं, वट एवर यू डू आई विल चेक इट। अच्छा और 16 साल के बाद यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट? नो इट इज नॉट दैट कि आप इतना भी नहीं कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। उसमें फिर क्या होता है कि आप ये तो देखें ना कि 16 साल एक चीज को सिखाते रहे तो वो तो फिर आपकी हैबिट बनी जाती है। तो वो कहते हैं ना हैबिट्स कैन चेंज नेचर कैन नॉट। अच्छा नेचर तो जो है वो तो रहेगी, बिल्कुल सही। अच्छा आपको अंदाजा हो गया था, आप तो माशाल्लाह खुद आर्टिस्ट हैं और टेलीविजन की स्क्रीन से वाबस्ता हैं, पूरी फैमिली में म्यूजिक है, वालिद जो है बहुत अच्छे कंपोज वो कीबोर्ड जो है वो प्ले करते हैं, भाई कंपोजर हैं, आपको अंदाजा हो गया था कि आसिम जो है इज अ स्टार जो कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ करेगा? अंदाजा तो मैं नहीं, लेकिन मैंने आसिम को जब इन्होंने यू टर्न लिया, बिकॉज़ ये बहुत ही उम्दा स्टूडेंट भी है, बहुत बहुत अच्छा, इज वेरी ब्रिलियंट। सच बताया, अच्छा 98% 92 इससे कम कभी बात नहीं की आसिम ने। तो जब इसने यू टर्न लिया एकदम से म्यूजिक पे, तो मैंने सिर्फ इसको एक चीज कही थी आसिम को कि मैंने कहा बेटे वट एवर यू डू इन योर लाइफ डू द बेस्ट, बस ठीक है। मैं आपसे ये कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि अब आप ये म्यूजिक भी करें तो मैं कहूँ कि अब 98% भी लेकर आओ, जिस चीज को करो वो अपने बेस्ट की तरफ करो। ये इतना बेस्ट जिस वक्त पराठा बना रहा है ना आपकी आपकी हेल्प से कि मैं आई एम अमेज्ड कि इतना अच्छा पराठा जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारी ख्वातीन ने नहीं बनाया जो कि आपने बनाया। आसिम ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है, क्या बात है जी, ये हो गया डन। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा है, हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल तैयार। थैंक यू सो मच गुलराना साहिबा फॉर बीइंग विद अस आज सुबह भी, और इतना प्यारा टैलेंटेड सा बेटा जो है वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नहीं खराब, थैंक यू। आए आप ये उतार लो पहने, ये भी उतारते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको टेस्ट तो करें। अच्छा कि ये कैसा है, हमारी ऑडियंस में से कोई आना चाहेगा यहाँ पे जो आसिम के हाथ का बना हुआ पराठा खाना चाहे, कोई आए भाग के आ जाए, कैमरे के सामने आने का डर भी तो बहुत सारा लोगों को होता है ना, आके चखे कि आसिम का पराठा जो है वो कैसा लगता है आपको और ऑमलेट कैसा लगता है। आसिम कभी आप काम करते हुए किचन में गुनगुनाते भी हैं? बहुत, घर में मैं, घर वाले तंग हैं मुझे। अच्छा
मेरा रियाज, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं घर में। फेवरेट गाना खुद का कौन सा है जो आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं? फेवरेट गाना जबरदस्त है। नमक वमक ठीक है? विश भी ठीक है? आसिम आप खुद बताएं, पास हुए? थैंक यू, बेस्ट रॉक करेंगे है ना। सो हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू सोनू, वंडरफुल हैविंग यू। सोनू इज आवर टीम माशाल्लाह से, बिल्कुल बिल्कुल, और इतना कमाल किस्म का बिग नेम। मैं और क्या स्टेप्स हैं, क्या सोनू भाई सुन रहे हैं अगर आप, तो मैं वो गाना मुझे अभी तक याद है, आशिकियां नू आ रहे। हाँ, तो मैं तो काफी पहले का फैन हूँ सोनू भाई का। गुड। अच्छा आप कुछ सवाल बहुत तेज तेज। हाँ, सांस भी फूल गई है, सांस भी फूल गई है और सवाल भी तेज तेज, सवाल भी तेज तेज होंगे। तो इसमें सोचे समझे बगैर विदाउट सेकंड डिले। थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है? नहीं। ओके गुड। आपके साथ क्या कॉन्ट्रोवर्शियल? नहीं नहीं, कि इनमें से किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? ठीक है ठीक है, फूट फूट मारने वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है। सुबह तैयार होने में कितना वक्त लगाते हैं? सबसे कम ग्रेड कौन से सब्जेक्ट में आते थे? केमिस्ट्री। ओह, किसके साथ डांस करना चाहते हैं? गर्ल। गर्ल? हाँ। Somebody you want to dance with? आलिया भट्ट, I think is a good dancer. Oh great. मैं सायरा शरोज के साथ करना चाहता था बचपन से काम या कुछ, और अभी मैंने उनके साथ परफॉर्म किया तो वो मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। पूरा हो गया, जबरदस्त। ड्रीम कार कौन सी है? I think Mercedes. अच्छा, no Ferraris, no. I don't like वो sports car वगैरह। अच्छा, no Fast and Furious। नहीं नहीं, उस दिन बल्कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले गाड़ी ली, तो मैं वो एक रोड है शारे फैसल कराची की ना, बड़ी खुली, तो उस पे मैं जा रहा, तो एक बंदा आ गया साइड पे, हॉर्न दे रहा है मुझे स्पोर्ट्स कार ना, कहता है चले रेस। मैं कहा भाई बड़ी मेहनत से गाड़ी ली है, मुझे नहीं शौक ये वाले। बाकी शौक नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये वाले, ये सॉरी जो लोग करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शोखा लगता है। अच्छा गुड, मतलब ये किस तरह का नौजवान है ये। अच्छा, एक और टैलेंट मिल जाए तो क्या चाहेंगे? एक और टैलेंट अगर मिल जाए, मिलना मिल सकता हो क्रिकेट टीम में? मेरा आई थिंक अभी भी म्यूजिक से ज्यादा क्रिकेट से मुझे प्यार है। हाँ। ये बहुत बड़ा कमेंट है। जी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक तरफ कॉन्सर्ट हो रहा है और एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, किस... हुए, ये तो बहुत मुश्किल आपने बात कर दी। मैं शायद कॉन्सर्ट की टाइमिंग्स आगे पीछे करवाऊँ। अच्छा, हाँ हाँ, मैच देखेंगे। हूज फेवरेट प्लेयर? पाकिस्तानी टीम, शोएब मलिक राइट नाउ। शोएब मलिक राइट नाउ, ग्रेट। अच्छा जी, हम आएंगे, प्लास्टिक सर्जरी अगर करवानी हो तो किसकी तरह लगना पसंद करेंगे? क्या कहेंगे, नाक कैसा होना चाहिए, शक्ल कैसी होनी चाहिए? बस शाहरुख खान टाइप बन जाऊं। बहुत पसंद है मुझे वो। हाँ, मैंने बचपन से। अच्छा, मैंने सुना है। अच्छा, बचपन से मुझे भी बहुत पसंद। I'm a huge fan. I'm also a huge fan. Because crazy वाला। अच्छा? हाँ। मैंने ये भी सुना है कि आप चाहते हो कि अपना गाना जो है वो आप बॉलीवुड को दें, लेकिन सिर्फ शाहरुख के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं, अगर उससे पहले भी कोई गाना चाहेगा तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा ड्रीम है कि वो मतलब उनके बाल सफेद होने से पहले उन पे गाना पिक्चराइज हो जाए। ठीक है, और एक्ट करना भी ड्रीम है उनके साथ, ये सिर्फ गाना अगर हो जाए तो फिर तो मैं बहुत ही लकी, फिर तो मैं ओके बहुत ही। अच्छा जी, नाम बदलने का मौका मिले तो एक स्टार नेम जैसे साथ ऐड होता है, वो क्या होगा, क्या हो सकता है? आई थिंक मुझे इतना पहले पता नहीं मुझे क्यों अपना नाम नहीं पसंद था आसिम, मैं कहता था ये मतलब इतना अनकॉमन नेम है कि ना बबल पे मेरा नाम निकलता था, ना होती थी ना चिंगम जिस पे नाम आते थे ना, उस पे नाम निकलता था ना, मेरे लॉकेट मिलते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां की तरफ से